आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं यूपी के बस्ती जनपद से। बस्ती जिले के छावनी थाने की पुलिस आईएसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह हाईवे पर खड़े मालवाहक ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे। ट्रक ड्राइवर और खलासी के सो जाने पर ट्रक की तिरपाल काटकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से 14 गत्तों में 224 लीटर कच्ची घानी, सरसों का तेल, 3000 नगद, एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। इस गैंग में कुल 6 सदस्य हैं। उमेश गुप्ता शत्रुधन निषाद गोरखपुर के रहने वाले हैं, जबकि राजेश केवट नेपाल के रूपनदेही का रहने वाला है। मालवाहक ट्रक से चोरी करने के बाद चोरी का सामान नेपाल में ले जाकर बेचते थे। अभी तक यह गिरोह लाखों का सामान ट्रकों से चोरी कर बेच चुका है। सामान चोरी करने के लिए बोलेरो गाड़ी का प्रयोग करते थे। ट्रक से सामान चोरी कर बोलेरो से ले जाकर बेचते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके 3 अन्य साथी राहुल गुप्ता, कुंदन गुप्ता और ब्रिजेश निषाद अर्टिगा गाड़ी से 28 गत्ता चोरी का तेल अर्टिगा गाड़ी से लेकर नेपाल बेचने गए हैं। छावनी थाने पर 92 गत्ता तेल चोरी करने के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी की टीम ने इन्हें रंगो हाथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में देखें सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। थाना क्षेत्र छावनी में एक ट्रक पर लदे हुए खाद्य तेल की, सरसों के तेल की चोरी की गई थी। इसके संबंध में थाना छावनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार थाना क्षेत्र हरैया में भी एक ट्रक पर सरसों के तेल की चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना हरैया पर भी मुकदमा पंजीकृत था। उपरोक्त दोनों प्रकरण के खुलासे के लिए लगातार थाना अध्यक्ष छावनी के नेतृत्व में थाना छावनी और बस्ती की एसओजी टीम लगी हुई थी। आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को इस प्रकरण से संबंधित, इन दोनों मुकदमों से संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शत्रुघ्न निषाद, राजेश केवट और उमेश गुप्ता हैं। इसमें उमेश गुप्ता चोरी के माल को खरीदता था। इनके पास से 16 लीटर के कुल 14 गत्ते, कुल 224 लीटर सरसों का खाद्य तेल बरामद हुआ है। साथ ही चोरी में प्रयोग की जाने वाली एक बोलेरो नियो गाड़ी, जिसका नंबर UP 53EC 1034 है, वो बरामद हुई है और एक टेम्पो लोडर भी बरामद किया गया है। साथ ही इनके द्वारा चोरी के माल की बिक्री कर 5,850 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं। पूछताछ में 3 अन्य व्यक्तियों का इस घटना में शामिल होना बताया गया है, जो कि अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।